दुकान पर पकड़ो यार, फोटो खींचो इसका। तुम चल जाओगे अभी, तुम चल जाओगे, इसका फोटो खींचो। दुकान पर पकड़ो यार, फोटो खींचो इसका। तुम चल जाओगे अभी, तुम चल जाओगे, इसका फोटो खींचो। तैयार रहो तुम, अब केस करा उस पर, मजाक कर रहे हो तुम लोग। प्रशासन तो खड़ा होकर तमाशा देखता है, जब निपट जाते हैं उसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ मैडम, मतलब क्या हुआ मैडम, बताइए बताइए। ये एबीवीपी के गुंडे यहाँ पर आए थे, हिंदू कॉलेज के बाहर कॉलर पकड़ लिया मेरे, यहाँ से बदतमीजी करने लगे, माइक छीनने लगे, फोन तोड़ने लगे और मुझे यहाँ पर चोट भी आई है। किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर देख कर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, इनका शिवलिंग पे, शिवलिंग को लेकर इनका धर्म धर्म खतरे में आ जाता है, भावना हाथ हो जाती है। लेकिन महिला के कपड़े खोले जाते हैं, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, ये सब लोग नहीं देख रहे हैं। ये गुंडे धर्म संसद बिठाई जाती है महिलाओं के कपड़ों को लेकर, तब ये लोग कहीं नहीं जाते, तब लोग सड़कों पर नहीं आते। लेकिन किस तरीके से वो लोग अभी हार से भाग कर गए हैं, और मैं FIR करने जा रही हूं। मेरे ऊपर तो गाड़ी चढ़ा दी होती है तरीके से, और FIR करा कर मैं लड़ूंगी, क्योंकि ये लोग बहुत 5000 सालों से हमारे साथ जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, इस वक्त हूँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने। जी हाँ, डॉक्टर रतनलाल जी का जो क्वार्टर है उसके सामने हूँ। मीडिया को अंदर से एंट्री नहीं की जा रही है और यहाँ पर एबीवीपी के लोग आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर रतनलाल जी को मतलब अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये छात्र मतलब कुछ लोग हैं जो कथित तौर पर डॉक्टर रतन लाल पर प्रेशर बना रहे हैं कि माफ़ी मांगें, और मीडिया से बदतमीजी गई, हमारी सहयोगी है उनसे बदतमीजी से पेश आया गया, हमला किया गया। और जब उन संगी गुंडियों को हमने कवरेज करने की कोशिश की, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं फुटेज कितने भयानक यहाँ पर माहौल होने वाला है, कि एक तरफ जहाँ पर मतलब मीडिया के लोगों को अंदर एंट्री नहीं की जा रही है, उसी तरह से बाहर के लोग इस कैंपस में अंदर आ रहे हैं और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी जो हैं निधि रत्न है, उन पर हमला किया गया, और भी हमारे सहयोगी हैं उन पर हमला किया गया। जब मैंने उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। तो आप देखते रहिए जनता आवाज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।